बीसीबी और बीसीसीआई के बीच शुरू हुई आर पार की लड़ाई, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर शुरू हुई तकरार अब कोर्ट तक है आई। भाइयों, चैंपियंस ट्रॉफी पर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आईसीसी ने खुद कह दिया है पीसीबी को कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, नहीं पड़ेगी। ये बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का है। बीसीसीआई कोई अपने आप में कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, कोई कि मैं हम जाएंगे जी हम अपनी टीम। बीसीसीआई ने आईसीसी को ईमेल भेजा है, उस ईमेल में बीसीसीआई ने साफ लिखा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। रीजन बताया वो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं मिली। बॉस, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराना है तो पाकिस्तान में कराओ। अब आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समिति जो है उसके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने की प्लानिंग कर रहा है वो। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आती है तो पाकिस्तान इन फ्यूचर जो भी टूर्नामेंट होगा मैच वो इंडिया के साथ नहीं खेलने वाला है। देखे भाई, इधर से भी गोला बारूद निकलेगा, उधर से भी चीजें होंगी। आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना ही पड़ता है, आपको हर टूर के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। ये हम पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, ये 2018 में इन्होंने पाकिस्तान ने आईसीसी से डैमेजेस भी मांगी थी। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि बायलैटरल तो पहले नहीं होते, अब ये जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं हम उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया कि जो इंडिया वाला मैच है हम कहीं और खेलने नहीं जाएंगे। तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान में आने के लिए अपनी टीमों को भेजने के लिए तैयार है। अगर बीसीसीआई नहीं भेजता कोई बात नहीं, बीसीसीआई की जो टीम इंडिया है उसके बिना ही हम चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया है कि वो अपनी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। इसको लेकर पाकिस्तान हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो भारत के खिलाफ आईसीसी में एक मुकदमा करेंगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए और चैंपियंस ट्रॉफी खेले, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी पहले इंडिया में जाकर खेल चुकी है 2023 का वर्ल्ड कप भी, और आगे 2025 और 26 में वर्ल्ड कप खेलने जाना है पाकिस्तान ने इंडिया में। आइए मजीद जानते हैं कि इसको लेकर भारतीय मीडिया में क्या रिपोर्टिंग हो रही है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। पीसीबी और बीसीसीआई के बीच शुरू हुई आर पार की लड़ाई, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर शुरू हुई तकरार अब कोर्ट तक है आई। जी हाँ, आपने सही सुना, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच में जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तकरार है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये हालात इतने ज्यादा बिगड़ते हुए दिख रहे हैं कि अब मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है, और बड़ी बात यह है कि इस बार इस मुसीबत का जो समाधान है उसे निकालने की बड़ी जिम्मेदारी बीसीसीआई के मौजूदा सचिव और आईसीसी के अगले चेयरमैन जय शाह के हाथ में होगी, क्योंकि अब जय शाह ही सुना सकते हैं बीसीसीआई को सजा। तो क्या है पूरा मामला, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। दरअसल बीसीसीआई और पीसीबी के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बीच जो आयोजन को लेकर, जो टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उसमें अब आर पार का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अब पाकिस्तान ने नई तैयारी शुरू कर दी है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है अब उसने एक नया फैसला ले लिया है। अब फैसला क्या है, दरअसल पीसीबी कोर्ट में ले जा सकता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बीसीसीआई के फैसले से बेहद नाराज है, खफा है, और इसी वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो मामला है उसे अब कोर्ट में सुलझाने के लिए नया कदम उठा सकता है। क्या है पूरा मामला समझिए, बीसीसीआई का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजने का ये ऐलान हुआ है। बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया, आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कन्वे कर दिया कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाली है। अब इसके बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज हो गया, क्यों, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात शुरू हो गई है हाइब्रिड मॉडल की, लेकिन यहां पर पीसीबी अपने ही कहे हुए अल्फाजों से पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा जो स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आया वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल को अपनाने के पक्ष में ही नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान कह रहा है कि बॉस, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराना है तो पाकिस्तान में कराओ, टीम इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आती है तो कोई बात नहीं। और इसीलिए अब आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समिति जो है उसके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने की प्लानिंग कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई आईसीसी इस मामले में फैसला लेगी, जो आईसीसी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समिति जो है वो इस मामले में पूरा फैसला ले, और आईसीसी के सामने बिना टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी को आयोजित करने का अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये प्रस्ताव रखने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर सकता है, तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है वो
पाकिस्तान में आने के लिए अपनी टीमों को भेजने के लिए तैयार है। अगर बीसीसीआई नहीं भेजता कोई बात नहीं, बीसीसीआई की जो टीम इंडिया है उसके बिना ही हम चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर लेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी पर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आईसीसी ने पीसीबी को रिटन लेटर में बता दिया है कि टीम इंडिया विल नॉट कम टू पार्क फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी ने खुद कह दिया है पीसीबी को कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। यहां पर आईसीसी को क्योंकि सारे बोर्ड्स का बाप है आईसीसी, तो ऐसे में उनको एक स्टैंड लेना चाहिए था कैसे क्या, या फिर बीच क्या रास्ता निकालना चाहिए था। अब आईसीसी ने खुद कह दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, पीसीबी को बता दिया है। और भारतीय टीम ने हमेशा से अपना स्टैंड क्लियर करके रखा था कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। मेन बात क्या हुआ है, अब उधर से ना मोहसिन नकवी और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आती है तो पाकिस्तान इन फ्यूचर जो भी टूर्नामेंट होगा, जैसे T20 वर्ल्ड कप हो गया, ये हो गया, उनमें से एक भी मैच वो इंडिया के साथ नहीं खेलने वाला है। देखे भाई, इधर से भी गोला बारूद निकलेगा, उधर से भी चीजें होंगी, और इसके चक्कर में चैंपियंस ट्रॉफी मुझे लगता है उड़ जाएगा पूरी तरीके से। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी होगा, बट ये जो गहमा गहमी और लड़ाइयां चल रही है ना, इसमें बड़ा मसला और होने वाला है, विवाद और बढ़ता जा रहा है। अगले साल एशिया कप भारत में खेला जाना है, हमारे देश में खेला जाना है, और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी भारतीय टीम हमारा देश भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, मेजबानी करने वाले हैं। मतलब नेक्स्ट 2 साल में लगातार 2 दफा ऐसा होने वाला है जब पाकिस्तान की टीम को भारत आना है मैच खेलने के लिए, टूर्नामेंट खेलने के लिए। अब अगर टीम इंडिया वहां नहीं जाती है तो पाकिस्तान भी बोलेगा कि भाई हम भी नहीं आएंगे, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, भाई तुम भी नहीं जाओ और हम भी नहीं आएंगे। और आप मतलब इमोशन समझ में आता, पाकिस्तान में जितने भी मतलब जो जर्नलिस्ट भी है, जो फैंस भी, उनको गुस्सा आ रहा होगा कि इंडिया का क्या ड्रामा है, बट थोड़ी सिचुएशन मतलब आप लोगों को भी समस्या पता है कि क्या है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको पाकिस्तान जाना है कल को या किसी भी मुल्क जाना है, वैसे उठ के चले जाओगे? नहीं नहीं भाई, वीजा नाम की चीज होती है, सब कुछ होता है यार। हमें एक चीज माननी पड़ेगी, ये कि ये बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का है। बीसीसीआई कोई अपने आप में कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, कोई कि मैं हम जाएंगे जी हम अपनी टीम भेज रहे हैं। आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना ही पड़ता है, आपको हर टूर के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। ये हम पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, ये हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जाने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है नहीं जा सकते हो, बीसीसीआई क्या करे, उठ के चले जाए? इसमें जो कह रहे हैं कि जी बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड सेक्रेटरी, उनका क्या रोल है, मुझे आप बताओ। और आप हर बार होता है ये, आई थिंक 2018 में इन्होंने पाकिस्तान ने आईसीसी से डैमेजेस भी मांगी थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर इंडिया और पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने दोनों ही देशों के क्रिकेट फैंस की परेशानी बढ़ाई है। क्या खबर है, विस्तार से समझाते हैं। तो देखिए, बीसीसीआई ने आईसीसी को एक ईमेल भेजा है। उस ईमेल में बीसीसीआई ने साफ लिखा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ऑफिशियल लिखा है बीसीसीआई ने। सरकार से अनुमति नहीं मिली, उसमें बीसीसीआई ने ये मेंशन किया, जो रीज़न बताया वो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं मिली, इंडिया से कोई क्रिकेट मैच नहीं। और जब ये खबर सामने आई है तो उसके बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जो सोर्सेज की तरफ से आया है, इंडिया से कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि बायलैटरल तो पहले ही नहीं होते, अब ये जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं हम उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा। इंडिया टीम पाक नहीं आई तो कोई मैच नहीं, पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया कि अगर इंडिया टीम जब तक पाकिस्तान नहीं आती क्रिकेट खेलने के लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कोई भी क्रिकेट मैच नहीं होगा। और उन्होंने पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया कि जो इंडिया वाला मैच है हम कहीं और खेलने नहीं जाएंगे, हमारा वो मैच ऑफिशियली शेड्यूल पाकिस्तान में है और हिंदुस्तान को पाकिस्तान ही आना पड़ेगा खेलने के लिए, ये पाकिस्तान सरकार का मानना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की एक तरफ लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।